नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हम कर रहे हैं। इसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करने से पहले हम रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन के बारे में समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल, reciprocal means just to make the numerator denominator and denominator numerator. Suppose I have to write the reciprocal of 7/8, so its reciprocal will be 8/7. Simply make the numerator denominator and denominator numerator. That is known as reciprocal. In other words, reciprocal of a fraction is again a fraction which when multiplied by the original fraction gives the product 1. मतलब फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट जो आता है वो 1 आता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं डिवीजन के बारे में। तो पहली टाइप है, वी आर मल्टीप्लाई डिवाइडिंग फ्रैक्शन होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज आई हैव टू डिवाइड 35/7/5। I have to find this division. This is a whole number and this is a fraction. So what I have to do, this 35 will remain as it is. This division will change into multiplication and जो second fraction है जो बाद में लिखा गया है उसका हमने reciprocal लेना है 5/7। ठीक है, now I can simply simplify it. 7 ones are 7 and 7 fives are 35. So 5 into 5, that means 25/1 is my answer. ठीक है, now again if I have to divide a fraction by a fraction by fraction, तो simply मैं क्या करूँगा, दोबारा वही बातें आएंगी। जैसे suppose I have 14/3, I have to divide it by say 2/9. ठीक है, दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज अगेन ए फ्रैक्शन। तो वट आई हैव आई विल डू, जो यहाँ पे किया वही काम करना है। पहले फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और सेकेंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 2 ones are 2 एंड 2 sevens are 14, 3 ones are 3 एंड 3 threes are 9। सो आई हैव 7 into 3 21/1 to 1 1 21 इज माई आंसर। ठीक है, उसी तरह से अगर फ्रैक्शन और होल नंबर को डिवाइड करना हो, फ्रैक्शन एंड होल नंबर, होल नंबर, तो क्या करेंगे, सेम वही काम है। सपोज आई हैव 2/5 एंड आई हैव टू डिवाइड इट बाय 14। दिस इज़ अ फ्रैक्शन एंड दिस इज अ होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर पहले था, फ्रैक्शन बाद में था। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस होल नंबर कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन लाइक दिस 14/1। बाकी काम हमने यही करना है जो यहाँ पे किया था। That means 2/5 multiplied by 1/14. So 2 ones are and 7 are. 1 ones are 1 and this is 35. This will be my answer. ठीक है बच्चों, तो होप ये फ्रैक्शन के डिवीजन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, उसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो बचे हुए होंगे वो आपके लिए असाइनमेंट का काम करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, आप खुद उसको ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 12 is to be divided by 3/4, सिंपली 12 multiplied by 4/3 हो जाएगा। दिस 3 ones are 3 एंड 3 fours are 12, सो आई हैव 4 fours are 16/1 एज माई आंसर। ठीक है, इसका एक और पार्ट ले लेते हैं, से सिक्स्थ पार्ट ले लेते हैं। इट इज़ 5 divided by 3 whole 4/7, दिस इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और अगर मल्टीप्लीकेशन लगा दिया तो रेसिप्रोकल भी कर लीजिए, 7 न्यूमरेटर बन जाएगा। दिस इज 21, 21 plus 4, 25, सो इट विल बी 25। सो दिस 5 ones of 5 एंड दिस 5, सो आई हैव 7/5 एज माई आंसर। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया। आप पहले स्टेप में इसको रेसिप्रोकल ना करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, उसके बाद रेसिप्रोकल करें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है. पहले हमें रेसिप्रोकल निकालना है. फर्स्ट पार्ट इज 3/7, ठीक है. तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 विल बी 7/3, ठीक है. एंड इस रेसिप्रोकल को हमने क्लासिफाई करना है. नाउ इज इट ए प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब न्यूमरेटर छोटा होता है, ठीक है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है. तो सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. गॉट इट? इस ढंग से ये क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल हैं. थर्ड पार्ट देखिए जरा. जैसे इसका थर्ड वन इज 9/7. तो रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल विल बी 7/9. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. तो बाकी पार्ट भी इस हिसाब से आप कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन जो है, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन एंड होल नंबर. जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखें अगर आप, दैट इज 7/3/2. So it is 7/3/2/1. It is further equal to 7/3 × 1/2. It is equal to 7/6. Cancel out हो नहीं सकता, ठीक है. तो बाकी पार्ट भी ऐसे कर सकते हैं. तो these were the few questions from exercise 2.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आगे हमारे पास इसमें क्या है? वी हैव डेसीमल्स. तो डेसीमल्स में अब हम दो ही चीज़ें करेंगे. हाउ टू कंपेयर डेसिमल्स, डेसिमल्स की बेसिक्स क्या है, और हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स. तो डेसिमल्स आपको पता है, जैसे कि सच टाइप ऑफ नंबर्स 35.02 आर नोन एज डेसिमल नंबर्स. अब इसमें क्या था? प्लेस वैल्यू. दिस वाज वंस प्लेस, दिस वाज टेंथ प्लेस. और डेसिमल के इधर जो पहली प्लेस होती है दैट इज नोन एज टेंथ प्लेस. एंड दिस टू इज एट 100th प्लेस. क्लियर है, ठीक है. तो दिस वॉज हाउ डेसिमल्स, वॉट आर डेसिमल्स एंड वॉट आर द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट डिजिट्स इन ए डेसिमल नंबर, ठीक है. अब हाउ टू कंपेयर डेसिमल. तो इसके लिए बेसिकली हम पहला रूल क्या होता है, वी डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में है डिजिट है, वहाँ पे जो नंबर है पहले उनको कंपेयर किया जाता है. सपोज आई हैव टू कंपेयर 35.02 विद 2.4567. दीज आर टू डेसिमल नंबर्स एंड आई हैव टू कंपेयर कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है. तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड में, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 35 है और डेसिमल के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 है, इनको कंपेयर करूँगा डायरेक्ट. जो छोटा है वो छोटा है, जैसे यहाँ पे 2 छोटा है तो दिस दैट मीन्स 35.02 इज ग्रेटर देन 2.45, ठीक है. अब मान लीजिए ये हमारे पास ये है एंड जो सेकेंड नंबर है दैट इज 35.0025, ठीक है. आई हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स, विच वन इज ग्रेट. तो पहले तो पहला रूल फॉलो करूँगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे भी 35 है, बोथ आर इक्वल. अब मेरे को डेसिमल पार्ट, यानी कि डेसिमल के राइट साइड में जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करना है स्टार्ट 1/1, ठीक है. जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पहला डिजिट 0 है, इक्वल है, ठीक है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है. नाउ 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर. सिंपली उसके बाद का क्या है क्या नहीं उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पे बड़ा हो गया वहाँ पे बड़ा है. क्लियर? दिस इज हाउ वी कंपेयर डेसिमल्स. दो रूल्स ही हैं. पहला रूल, पहले तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर बन रहा है उनको कंपेयर करो, जो बड़ा है वो बड़ा है. सेकेंड, अगर वो दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं डेसिमल के राइट साइड में मूव करते हैं 1/1. एक डिजिट, पहला डिजिट लेते हैं, उनको कंपेयर करते जाते हैं और जहाँ पे बड़ा नंबर डिजिट आ गया वो बड़ा हो जाता है. क्लियर? दिस इज हाउ वी कंपेयर डेसिमल्स. अब डेसिमल्स की एडिशन की बात कर लेते हैं. तो एडिशन में क्या है, एक ही रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखना है. सपोज आई हैव टू ऐड 35.02 विद 3.502. दीज टू नंबर्स आर टू बी एडेड. तो वॉट आई विल डू, 35.02 ये डेसिमल प्लेस, डेसिमल के नीचे
और 3 यहाँ पे आ जाएगा 502. दिस इज वॉट आई हैव टू कीप इन माइंड द डेसिमल इज एग्जैक्टली बिलो द डेसिमल और बाकी डिजिट्स वैसे ही अरेंज होंगे जो बचे हुए हैं. जो खाली जगह है वहाँ पे 0 लगाना लगा दीजिए, नहीं लगाना मत लगाइए. तो यहाँ पे विल गेट 2, दिस इज 2, दिस इज 5.83. सो दिस विल बी माई आंसर. एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगी. सपोज इन्हीं दो नंबर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वॉट आई विल डू 35.02, इसको मैंने 2.502 इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास 0 माना जाएगा. कैरी करिए यहाँ से 10 में से 2, 8, 1 का 1 आ गया, यहाँ पे 0 है, फिर 10 में से 5 पॉइंट, यहाँ पे बचा 4 में से 3, 1, 3. सो दिस विल बी माई आंसर. ठीक है, दिस इज हाउ आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट और कंपेयर द डेसिमल्स. तो एक एक्सरसाइज मैंने 2.4 की विच इज़ बेस्ड ऑन द डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस. एक इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे कंपेरिजन ऑफ डेसिमल्स और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है एक्सरसाइज 2.5. दैट इज़ योर असाइनमेंट, वो आपने खुद करनी है. और अगर कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, यू मे आस्क, यू कैन आस्क, यू शुड आस्क इन द ग्रुप. ठीक है बच्चों, स्टे एट होम, लिव हैप्पीली, इंजॉय करो, अपने पेरेंट्स के साथ खूब बातें करो, उनको खूब परेशान करो, लेकिन खुश रहो. ठीक है, और पढ़ाई ज़रूर करते रहो. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.